हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप सिंह एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल दैट इज रीजनिंग एस। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं आपसे एक बहुत खास टॉपिक पर डिस्कशन करने। ये होगा हमारा ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, ये रीजनिंग का बहुत खास टॉपिक है, इसलिए क्योंकि ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहाँ पे इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आता हो। तो गाइस, बहुत ध्यान से बने रहिए इस वीडियो के साथ, पूरा वीडियो को देखिए ताकि हम आपको सिखा सके, आपको बता सके कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो गाइस, क्वेश्चन पे आने से पहले सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातों पे जरूर डिस्कशन करना चाहूंगा। इस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन, ठीक है, और ब्लड रिलेशन को सीधे शब्दों में समझ सके तो कह सकते हैं खूनी रिश्ता। खूनी रिश्ता आई मीन टू से खून का रिश्ता, ठीक है, और खून के रिश्ते आई होप आप बहुत क्लियर समझते होगे इस वर्ड को। आपके सगे संबंधियों के बारे में बात होगा, ठीक है, तो जरा दो मिनट पहले मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि मैं इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में किस किस टाइप के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया जाना है, ठीक है। अब जैसे रिलेशंस की जब भी बात होती है, बस हमारे परिवार के सबसे जो बड़े सदस्य होते हैं वो दादा या दादी होते हैं, यानी ग्रैंड पेरेंट्स। तो याद रखिएगा, हमें पढ़ना किन के बारे में, सबसे पहली जनरेशन होती है ग्रैंड पेरेंट्स। जी हाँ दोस्तों, यानी दादा दादी और नाना नानी के, ठीक है। इसके बाद सेकंड जनरेशन पे आते हैं। अच्छा, सेकंड जनरेशन जो है वो 2G यानी सेकंड जनरेशन वाली, और ये सेकंड जनरेशन 2G किन के जमाने में हुआ करता था, हमारे पिताजी के जमाने में हुआ करता था। तो बिल्कुल इसीलिए सेकंड जनरेशन में पापा लोगों के इक्वल लोगों को रखा गया है, जैसे पापा हो गए, चाचा हो गए, मौसा हो गए, फूफा हो गए, ये लोग जो है ये सेकंड जनरेशन के लोग हैं। मम्मी हो गई, मामी हो गई, मौसी हो गई, बुआ हो गई, ये सारे लोग सेकंड जनरेशन के हैं, ठीक है। इसके बाद बॉस आते हैं थर्ड जनरेशन पे, यानी 3G, और 3G हमारे ही समय तो आया है, हमारे आपके समय में आया, इसीलिए हम लोगों को थर्ड जनरेशन में रखा गया है। थर्ड जनरेशन में हमको रखने का मतलब है कि हम होंगे तो मेरी कोई भाई होगा, मेरी कोई बहन होगी, कजिन्स होंगे, ये लोग हमारे जो है थर्ड जनरेशन में होंगे। और बॉस जैसे ही इधर जियो 4G लॉन्च हुआ, चौथी जनरेशन वाले भी लॉन्च हो चुके हैं। जी हाँ, चौथी जनरेशन यानी हमारा कोई भतीजा होगा, कोई भांजा होगा, जिसको हम नेफ्यू बोलते हैं, भतीजी होगी या भांजी होगी जिनको हम नीज बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि बॉस हमें पढ़ना कहाँ से है, दादा से लेके अपने भतीजे तक के पूरे रिलेशन को पढ़ना, यानी ये पूरी कहानी 4 जनरेशन, ठीक है। तो दोस्तों, इन 4 जनरेशन के अलावा भी कुछ और भी रिलेशंस हैं जो इससे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बात करें हमारे इनलॉज, ठीक है, तो जो हमने देखा अभी 4 जनरेशन को, उसके अलावा जो रिलेशन हमसे पूछा जा सकता है वो इनलॉज से जुड़ा होता है। इनलॉज जैसे आफ्टर मैरिज जो रिलेशन बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनलॉज में कौन आता है, हमारे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, यानी हमारे सासू माँ और ससुर जी। उसके बाद हमारे जनरेशन यानी हमारे सेम जनरेशन में आते हैं हमारे ब्रदर इन लॉज। एक बात बहुत क्लियर अपने दिमाग में रखिएगा, बस लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ब्रदर इन लॉ का हिंदी में 3 मतलब निकलता है, जीजा जी, देवर जी और साले साहब। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि वो क्वेश्चन में एक्चुअली में बोलना किसके बारे में चाह रहा है। और इसी तरीके से सिस्टर इन लॉ का भी 3 मतलब निकलता है, भाभी जी, साली साहिबा और ननद जी, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, यानी इन लॉज में हमने देखा फादर इन लॉ ससुर जी, मदर इन लॉ सासू मां, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। इसके बाद बात आती है दामाद पे, दामाद यानी सन इन लॉ, और इसके बाद बात आता है बहू पे, बहू यानी जिसको हम कहते हैं डॉटर इन लॉ। और बहू के लिए हिंदी में ये एक और वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं पुत्र वधू। तो बहुत ध्यान से अपने लैंग्वेज को समझिएगा, ऐसे लैंग्वेजेस एग्जाम में यूज किए जाते हैं, यानी पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ। तो दोस्तों, इन्हीं सारे रिलेशंस को हमें पढ़ने हैं। तो बिल्कुल अब हम बहुत देर न करते हुए आते हैं इस ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट पे, जहां हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस पूरे ब्लड रिलेशन में हम लोगों को 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है, यानी हम कह सकते हैं इसके 3 पार्ट होंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होगा ये फर्स्ट पार्ट पे होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो पहला फर्स्ट पार्ट होगा इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, या तो आप डिस्क्रिप्टिव कह सकते हैं या आप इसको पजल फॉर्म भी कह सकते हैं। ये वो पजल नहीं है जो सिटिंग अरेंजमेंट पजल है, ये ब्लड रिलेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट होगा डिस्क्रिप्टिव यानी पजल फॉर्म, सेकंड पार्ट हमारा जो होगा वो होगा कोडेड फॉर्म,
जी हाँ दोस्तों, इसको कोडेड ब्लड रिलेशन कहते हैं, यानी ये कोड के फॉर्म में होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट जो हमारा होगा वो होगा इंडिकेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, थर्ड पार्ट जो हमारा होगा वो इंडिकेशन फॉर्म होगा। तो हम जो ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकेंड फॉर्म कोडेड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इंडिकेशन फॉर्म। तो आज का वीडियो हमारा जो होगा वो इस फर्स्ट यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे बेस्ड होगा। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, फिर हम आते हैं। गाइस, अब हम आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे। तो क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार एक मिनट हम इसके बेसिक्स को भी समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे क्या करना होता है, कुछ बेसिक्स जरा समझिए। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है क्या, अमूमन हमें चार पांच लाइन का एक छोटा सा पैसेज होता है कि ए सन ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, यानी ए बी का बेटा है, बी सी का भाई है, ऐसे ही कुछ करके तीन चार लाइन का एक पैसेज होता है। हमें क्या करना होता है, उस पूरे पैसेज के हिसाब से शॉर्टकट में एक डायग्राम क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो डायग्राम कैसे क्रिएट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, एक बार बेसिक समझिएगा। इसमें दो टाइप के कंडीशन बनते हैं, जैसे कंडीशन नंबर वन, अगर हम पहली कंडीशन की बात करें, मान लीजिए एक लाइन कुछ ऐसी लिखी हो यहाँ पे, जहां पे हम कह दें कि ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, इसका मतलब हुआ है ए बी का बेटा है। तो इसको डायग्राम के थ्रू हम कैसे दिखाएंगे, समझिएगा जरा। ए बी का बेटा है, अच्छा एक बात बताइए, इस लाइन में अगर ए बी का बेटा है तो क्या ए और बी दोनों में जनरेशन गैप है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ए बी का बेटा है तो जनरेशन में फर्क तो है ही। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो के बीच में जनरेशन गैप होगा हमेशा हम वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे वर्टिकल लाइन। और एक बात और, ये ब्लड रिलेशन हमारे संस्कारों से बहुत जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल जो आपको बचपन से जो संस्कार दिए गए हैं उससे बहुत बेस्ड है। जी हाँ, अब इसमें संस्कारों का क्या लेना देना है, तो बस समझिएगा बात को, ए बी का बेटा है। अच्छा, संस्कार हमें सिखाता है कि औदे में मम्मी पापा हमसे हमेशा ऊपर होते हैं और बच्चे हमेशा नीचे होते हैं। जी हाँ, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। तो ए बी का बेटा है तो बेटा तो ए है ना, तो संस्कार कहता है कि बच्चे हमेशा औदे में नीचे होंगे और मम्मी पापा हमेशा ऊपर होते हैं। तो ये चीज जरूर अपने दिमाग में रखिएगा, बच्चे हमेशा नीचे होंगे और मम्मी पापा ऊपर होंगे। और इसी लाइन में हमसे बोला है ए इज सन ऑफ बी, ए क्या है, बेटा है, बेटा यानी अब बात करेंगे जेंडर पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जेंडर की बात होगी तो दो जेंडर की बात होगी, मेल और फीमेल। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई भी पर्सन मेल होगा तो उसके लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं, ठीक है, और अगर कोई भी पर्सन फीमेल होगा तो हम उसके लिए माइनस का साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो इस छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यहां कह रहा है कि ए बी का बेटा है, ए जो है वो बेटा है यानी मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन यानी प्लस का साइन यूज करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, ए बी का बेटा है तो क्या बी का जेंडर क्लियर है, बी मम्मी है कि पापा पता है? नहीं पता है, तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, जब तक जेंडर क्लियर ना हो खुद से मत डिसाइड करिएगा। ठीक है, ये यहां कुछ इस टाइप से। इसके बाद सेकंड पोर्शन कुछ ऐसे हम अगर चेंज कर दें कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी ये लाइन कह रहा है कि ए बी का भाई है। अच्छा, ए बी का भाई है, क्या इस बार इन दोनों में जनरेशन गैप है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई बहन तो सेम जनरेशन में होते हैं। जी बिल्कुल, अगर जनरेशन अगर कभी भी सेम जनरेशन होगी तो हमेशा याद रखिएगा आप हॉरिजेंटल लाइन खींचिएगा। जी हाँ दोस्तों, हॉरिजेंटल लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा, एक तरफ ए होगा और एक तरफ बी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां बोला है ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी भाई कौन है, ए भाई यानी अगेन मेल पर्सन, तो ए मेल पर्सन है तो हम प्लस कर देंगे। अच्छा एक बात बताइए, ए बी का भाई है तो ए तो मेल है लेकिन बी मेल है कि फीमेल, कुछ आइडिया? लाइन से क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ, अगेन जब क्लियर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। हम बल्कि क्या करेंगे, यहां छोटा सा हम लिख देंगे ब्रदर, बी आर ओ शॉर्टकट में लिख देंगे, जिससे हमें समझ में आ जाए कि इन दोनों में ए भाई है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यही कुछ बेसिक्स है, इसी पे हम आते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन में इन्हीं सारे बेसिक्स पे ध्यान रख के सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। आप चाहे तो वीडियो रोक के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन अभी जस्ट कराऊंगा। तो जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे ये रहा।
फ्रेंड्स, आते हैं हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो जी हाँ, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन भी कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन में पहली लाइन में बोला है ए इज ब्रदर ऑफ बी। देखिए, ये वही उसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी आपको दो पॉइंट में समझाया था। तो पहली लाइन कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी, भाई बहन यानी सेम जनरेशन में है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, एक तरफ ए और कुछ यू हमारा बन जाएगा। अच्छा, ए इज ब्रदर ऑफ बी यानी ए बी का भाई है, ए भाई है तो मेल पर्सन हो गया और इन दोनों के बीच में ब्रदर का रिलेशन है, बी बहन है कि भाई हमें आइडिया नहीं है। आगे की लाइन पढ़ते हैं तो देखिए यहां से क्लियर है यहाँ पे कि बी इज सिस्टर ऑफ सी। अच्छा, बी सी की बहन है तो फिर सेम जनरेशन वाली बात होगी, ठीक है। तो यहां से फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा सी पे और बी बहन है, इस बार बहन कौन है, बी है, तो ये फीमेल होगी और हम बीच में लिख देंगे सिस्टर का, हम छोटा शॉर्टकट में यहां पे लिख देंगे, लेकिन अभी भी सी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे की लाइन कह रहा है कि सी इज द सन ऑफ ई। देखिए, एक पॉइंट ये मिला कि सी इज द सन ऑफ ई, सी ई का बेटा है। अब समझिए बात को, सी बेटा है, हमने बताया था जब बेटा होता है तो बच्चा नीचे होता है और मम्मी पापा हमेशा ऊपर होते हैं, ठीक है। तो सी बेटा है, तो बेटा है तो सी पहले एक मेल पर्सन हो गया, और चूंकि ये बेटा है तो ये नीचे होगा और ये किसका बेटा है, ई का बेटा है, तो ई की पोजीशन ऊपर हो जाएगी। बात आई होप समझ में आई होगी, अभी भी ई का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। इसके बाद की लाइन देखिए, अगर जरा गौर समझे तो पूरी लाइन ये लिखी हुई थी कि सी इज द सन ऑफ ई हु इज हस्बैंड ऑफ एफ, मतलब जो एफ का हस्बैंड है। एक बात मैं आपको जरूर समझाना चाहता, रीजनिंग का एक बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बहुत क्लियर, आप लोग पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। अगर कहीं भी किसी सेंटेंस, दो सेंटेंस के बीच में हु लगा हो, जैसे यहां पे लिखा है कि सी इज सन ऑफ ई हु इज हस्बैंड ऑफ एफ, जैसे लाइन ये है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर दो सेंटेंस के बीच में हु, यानी हिंदी में जब आपने देखा होगा तो यहाँ पे जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया होगा, अगर कभी भी दो सेंटेंस के बीच में हु लगा हो यानी जो लगा हो, तो ये जो पीछे वाली लाइन होती है ये हमेशा सेकंड पर्सन, यानी ये हो गया फर्स्ट पर्सन और ये हो गया सेकंड पर्सन। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी हु लगा हो तो ये जो पीछे वाली लाइन होती है ये हमेशा सेकंड पर्सन के बारे में बोलता है, यानी हम कह सकते हैं E is husband of F. तो ध्यान में रखिएगा, अगर बीच में हु है तो ये हमेशा पीछे वाली लाइन किसके बारे में बोली जाती है, सेकंड पर्सन के बारे में बोली जाती है। और अगर यहीं पे इसी की जगह पे एंड लिखा होता है, यानी हिंदी में बात करें और लिखा होता है, तो ये जो पीछे वाली लाइन है ना, तो बस ये हमेशा याद रखिएगा ये फर्स्ट पर्सन के बारे में बोला जाता है। ये रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है जो आपको कई चैप्टर्स में काम आ सकता है, खासतौर से सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे लैंग्वेजेस वहां बहुत मिलेंगे। तो हु और एंड का मतलब आई होप समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए इसी लाइन में फिर आगे यही बोल रखा था कि सी इज सन ऑफ ई हु इज हस्बैंड ऑफ एफ। हु मतलब ई, ये ई जो है ये क्या है, हस्बैंड है, और किसका हस्बैंड है, एफ का। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बस शादीशुदा रिलेशन अगर होगा यानी मैरिड कपल होंगे तो एक अगर हस्बैंड है तो दूसरा हमेशा कंफर्म क्या, वाइफ ही होगी। भावनाओं को थोड़ा काबू में जरूर रखिएगा, ये मत सोचिएगा एक मेल है हस्बैंड है तो दूसरे का जेंडर नहीं पता, बिल्कुल पता है, हस्बैंड वाइफ में एक हस्बैंड तो दूसरा वाइफ होगा ही होगा, ये कंफर्म रहेगा आपका। ये मत कहिएगा कि यार सरकार ने तो परमिशन दे रखी है, ठीक है, वरना बोला ना संस्कार मत भूलिएगा, ठीक है। तो एक हस्बैंड तो दूसरा क्या, वाइफ, कंफर्म होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे की लाइन पे आते हैं, ठीक है। आगे की लाइन कह रहा है कि सी इज मैरिड टू डी, यानी ये जो सी है इसका शादी डी से हुआ है। अच्छा, शादी भी सेम जनरेशन में होती है, तो सी इज मैरिड टू डी, अगेन वही बात, सी तो मेल पर्सन था, इट मींस डी फीमेल हो जाए जी, बिल्कुल। हम हस्बैंड वाइफ को यहाँ पे H और W से कुछ इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं, बहुत डिटेल में बहुत ध्यान से आप समझिएगा, एक क्वेश्चन आप समझ लोगे तो फिर बाकी सारे क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन था कि C is married to D who has a son G, who मतलब कौन, डी, डी का एक बेटा है। अच्छा, बेटा है तो फिर नीचे जाएगा, बच्चे हमेशा नीचे होते हैं, who has a son G। अच्छा, G बेटा है यानी एक मेल पर्सन है, ठीक है। और आखिरी लाइन कह रहा है एच इज द मदर ऑफ
डी, यानी इस डी की एक मम्मी है, यानी मम्मी है तो डी से ऊपर, और ये कौन है, एच है, ये मम्मी है, तो क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। तो ये हमारी पूरी कंडीशन। तो देखिए यहां पे जो लाइन हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसके हिसाब से हमने ये डायग्राम कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये बनाने आ गया होगा। ठीक है, देखिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, टफ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी भी बन जाता है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए बहुत डिटेल में बता रहा हूं। एक बार समझ लेंगे क्वेश्चन बनाना बहुत आसान। इसको बनाने के बाद क्वेश्चन बहुत इजी होता है। जैसे देखिए पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था, पूछा गया था हाउ जी इज रिलेटेड टू एफ। अब जरा समझिएगा, क्वेश्चन था हाउ जी इज रिलेटेड टू एफ। ठीक है, अच्छा कई बार लोग डायग्राम बना लेते हैं लेकिन यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पूछा किसके बारे में। ठीक है, जैसे हिंदी में इसी को पूछ लिया जाता है कि जी का एफ से क्या संबंध। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बस हाउ के जस्ट बाद जो होता है, यानी ये जी हाउ के ठीक बगल में जो होगा, हमको इसी के बारे में बताना है कि ये वाला पर्सन कौन है, यानी जी कौन है, और किससे रिलेट करना है, एफ से रिलेट करना है। तो जरा रिलेट करके देखते हैं, यहां एफ से अगर हम रिलेट करें तो आप देखिए एफ के बेटे की बेटा हुआ ना, एफ का बेटा सी और सी का बेटा जी, एफ के बेटे का बेटा क्या कहलाएगा, ग्रैंडसन कहलाएगा। तो हाउ जी इज रिलेटेड टू एफ, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ग्रैंडसन। जी हाँ दोस्तों, आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी, यानी ग्रैंडसन ऑप्शन नंबर, आई होप आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बहुत, हमें बनाना क्या है इसी तरीके से, पहले डायग्राम बनाना है फिर जो रिलेशन होगा हम उसको रिलेट कर ले जाए। ठीक है दोस्तों, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगे। तो चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, उससे आपको और भी कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे और देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो दोस्तों पहली लाइन कह रहा है कि कमल इज द हस्बैंड ऑफ कोमल, यानी कमल जो है कोमल का पति है। अब कमल जो है वो पति है, पति हस्बैंड यानी मेल पर्सन, और किसका हस्बैंड है, कोमल का है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाइफ यानी फीमेल, तो ये हो गया हस्बैंड वाइफ। इसके बाद जस्ट बोल रहा है एंड फादर ऑफ अंकिता। देखिए हमने अभी जस्ट बताया एंड जब भी लगता है तो हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी कमल की बात कर रहा कि कमल इज फादर ऑफ अंकिता, कमल पापा है, और किसका पापा है, अंकिता का। तो हमने बताया ना मम्मी पापा ऊपर होते हैं बच्चे नीचे होते हैं, तो अंकिता नीचे। ठीक है, अब एक बात यहां बहुत क्लियर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये ब्लड रिलेशन है, ये चैप्टर है, ये रियल लाइफ नहीं। तो एक चीज बहुत क्लियर रखिएगा, यहां पे कमल अंकिता का पापा है तो कमल मेल पर्सन है, लेकिन अंकिता नाम से कभी ये मत सोचिएगा कि अंकिता है तो फीमेल है। जी हाँ दोस्तों, नाम से बिल्कुल जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं। किसी भी लाइन में आपको ये बिल्कुल मिल सकता है जहां पे कह देगा कि समीर इज द वाइफ ऑफ सुनीता। जी हाँ दोस्तों, समीर सुनीता की पत्नी है, तो उस केस में समीर जो है वो पत्नी यानी फीमेल और सुनीता मेल हो जाएगा। कंडीशन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, तो इस बात को बहुत क्लियर रखिएगा, अंकिता का जेंडर क्लियर अभी तक नहीं है। फिर आगे की लाइन में आते हैं, आगे की लाइन हमसे कह रहा है कि कोमल इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सोनू। अच्छा, मैटरनल ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मतलब दादी या नानी, लेकिन जब मैटरनल लग गया तो मम्मी का रिलेशन यानी नानी स्पेसिफाई कर दिया, यानी कोमल जो है वो नानी है, और किसकी नानी है, ये सोनू की नानी है। ठीक है, और फिर सोनू के बारे में जस्ट देखिए, फिर हु लगाए मतलब सोनू की बात कर रहा है कि सोनू हु इज द सन ऑफ दिनेश, और ये जो सोनू है वो किसका बेटा है, दिनेश का बेटा है। और दिनेश, ये लाइन देखिए खत्म नहीं है, फिर दिनेश के साथ फिर लाइन आगे बढ़ती है कि दिनेश हु इज द हस्बैंड ऑफ अंकिता। अब देखिए ये कैसे लिंक कर रहा है समझिएगा, ये पूरी लाइन को समझिएगा। पहली बात, कोमल इज अ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सोनू, कोमल सोनू की नानी है, हु इज द सन ऑफ दिनेश, जो दिनेश का बेटा है, और फिर दिनेश के बारे में कह रहा है दिनेश इज द हस्बैंड ऑफ अंकिता। तो हम यहां कह सकते हैं कि अंकिता का हस्बैंड कौन हो गया, दिनेश हो गया। अब ये बात क्लियर हो गई कि अगर दिनेश हस्बैंड यानी मेल है तो अंकिता फीमेल, ये हस्बैंड वाइफ है। और जैसा कि इसी लाइन में हमसे बोला गया था कि सोनू हु इज द सन ऑफ
दिनेश। इस दिनेश का बेटा कौन है? सोनू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सोनू, ये जो कोमल है, इसी लाइन में देखिए सबसे पहले बोला गया था कि कोमल यानी ये जो है ये मैटरनल ग्रैंड मदर यानी ये नानी है किसकी? सोनू की। तो देखिए सोनू की मम्मी हुई ना, तो ये मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक लाइन और बोला गया है कि दिनेश इज फादर ऑफ सुनीता यानी ये दिनेश पापा है, यानी फिर ये पापा है, तो सुनीता बच्चा ही होगा इनका, तो वो जब भी होगा तो सुनीता नीचे होगा। जी हाँ दोस्तों, सुनीता यहां पे होगा। लेकिन फिर मेरी वही बात है, दिनेश पापा है, सुनीता बेटा है कि बेटी, क्लियर नहीं है। तो ये रहा मेरा इस क्वेश्चन का पूरा डायग्राम। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है हाउ सुनीता इज रिलेटेड टू कमल। हाउ सुनीता इज रिलेटेड टू कमल, इस बार हाउ के साथ कौन है? सुनीता है। तो हमें ये बताना है कि सुनीता का कमल से क्या संबंध है? बताइए, सुनीता कमल की क्या लगेगा या लगेगी? कुछ क्लियर है? उसका जेंडर क्लियर है? बिल्कुल नहीं क्लियर है। बिल्कुल, ये इसकी ग्रैंडसन भी हो सकता है, कमल की ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हम आंसर निर्धारित नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा एक ऑप्शन जरूर वहां पे होगा, जैसे आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो देखिए बात को बहुत क्लियर समझिएगा बॉस, जेंडर नहीं क्लियर है तो हम उसके बारे में कंफर्म नहीं है। वो मेल भी हो सकता है, मेल होता तो ग्रैंडसन होता, फीमेल होती तो ग्रैंड डॉटर होती, लेकिन जेंडर नहीं क्लियर है इसलिए वो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर में कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी आपके में दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, बातें अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, वीडियो रोकिए इसको भी और सॉल्व कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों, हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। बिल्कुल उसी तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं और बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे कि आप में से काफी लोगों ने क्वेश्चन बना लिया होगा। चलिए सोल्यूशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो लाइन बोला है वो ये बोला है कि इन अ फैमिली देयर आर 7 मेंबर नेमली करण, अर्जुन, सीता, मीना, सरोज, विकास, मोहित। जी हाँ दोस्तों, 7 लोग हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। और पहली लाइन कह रहे हैं कि विकास इज द ब्रदर ऑफ सीता Who is married to Mohit? देखिए फिर वही बात, Who is married to Mohit? Who मतलब जो, जिसकी शादी किससे हुई है? मोहित से। तो ये किसके बारे में बोल रहा है? सीता के बारे में बोल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहली लाइन है कि विकास इज द ब्रदर ऑफ सीता, यानी ये जो विकास है ये भाई यानी मेल पर्सन है, और ये किसका भाई है? सीता का। तो हम यहां बीच में क्या लिख देंगे? ब्रदर, ये लिख देंगे। विकास भाई किसका? सीता का। फिर जस्ट उसी में बोला है कि सीता हु इज मैरिड टू मोहित, यानी ये जो सीता है इसकी शादी किससे हुई है? मोहित से हुई है। अब एक बात समझिएगा यहाँ पे कि सीता की शादी मोहित से हुई है, इसमें न तो सीता का जेंडर क्लियर है न मोहित का जेंडर क्लियर है, लेकिन हाँ ये है हस्बैंड वाइफ, इनमें से किसी एक का भी जेंडर मिल गया तो दूसरे का भी जेंडर हमें मिल जाएगा। संस्कार मत भूलिए, ठीक है, संस्कार हमेशा दिमाग में बिठाइएगा। चलिए आगे की लाइन पे आते हैं। बस आगे की लाइन क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है सीता हैज ओनली वन सन अर्जुन। अच्छा, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि सीता का केवल एक बेटा है और वो बेटा कौन है? अर्जुन, ठीक है। जी हाँ, सीता का केवल एक बेटा है और वो बेटा है अर्जुन। अगर सीता का कोई दूसरा भी बच्चा होगा तो याद रखिएगा वो फीमेल, वो बेटी ही होगी, क्योंकि यहां बोला है कि सीता हैज ओनली वन सन, यानी सीता का इकलौता बेटा है अर्जुन। अगर सीता का कोई दूसरा बच्चा होता तो वो उसकी बेटी होगी, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आगे की लाइन कह रहा है मोहित इज द सन ऑफ मीना हु इज मैरिड टू करण। अब देखिए कह रहा है कि जो मोहित है, मोहित इज द सन, मोहित बेटा है किसका? मीना का। मोहित बेटा है यानी मेल पर्सन। अब ये बेटा है मीना का, तो बेटा है बच्चे नीचे और मम्मी पापा ऊपर, ठीक है। फिर वही कह रहा है कि मोहित इज द सन ऑफ मीना हु इज मैरिड टू करण, यानी मीना की शादी किससे हुई है? करण से हुई है।
तो मीना की शादी हुई है करण से, ठीक है, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ। लेकिन इनका जेंडर क्लियर नहीं है, क्या मीना हस्बैंड है कि करण वाइफ, ये कुछ भी हम कहना क्लियर नहीं कर सकते अभी, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज क्लियर हो गया कि मोहित सन था यानी मेल पर्सन था, तो ऑब्वियसली बात है अब ये हस्बैंड होगा और सीता वाइफ फीमेल होगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद की लाइन पे आते हैं। देखिए इसके बाद की लाइन कह रहा है कि अर्जुन इज द ब्रदर ऑफ सरोज, यानी ये अर्जुन जो है ये भाई है, और किसका भाई है, सरोज का भाई है, ठीक है। अब जरा प्रीवियस एक लाइन ऊपर जाइए जहां हमने ये पढ़ा था कि सीता हैज ओनली वन सन अर्जुन, यानी सीता का केवल एक बेटा है अर्जुन, तो सरोज कंफर्म बेटी होगी, ठीक है। वही हम समझा रहे थे कि इसका इकलौता बेटा अगर अर्जुन हो गया तो यहां सरोज का ऑटोमेटिकली जेंडर क्लियर है, यानी ये फीमेल होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में भाई बहन, यानी अर्जुन भाई है सरोज का, जो कि आखिरी लाइन दिया हुआ था। तो ये हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया। तो इसका जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे बोला है हाउ इज सरोज रिलेटेड टू विकास, यानी सरोज का विकास से क्या संबंध है। अब देखिए सरोज यहां पे और विकास यहां पे, अगर हम इस रिलेशन को समझे, हमसे बोला है सरोज कौन है, सरोज क्या लगेगी विकास को, तो विकास के बहन की बेटी है ना, देखिए ना विकास की बहन सीता और सीता की बेटी ही सरोज है, तो बहन की बेटी क्या कहलाती है, बहन की बेटी क्या कहलाती है, नीस कहलाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं भांजी, ठीक है। नीस का मतलब भतीजी या भांजी दोनों होता है, तो यहां भांजी का रिलेशन आ रहा है यानी नीस। पहला क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें बॉस, तो सेकंड क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है हाउ इज करण रिलेटेड टू सीता, यानी ये जो करण है, हाउ इज करण, यानी करण क्या लगेगा या लगेगी सीता की, तो क्या करण का जेंडर क्लियर है, बिल्कुल नहीं क्लियर है। अगर अगर करण मेल होता तो ये सीता के ससुर होते, फादर इन लॉ होते। अगर करण फीमेल होती तो सीता की मदर इन लॉ होती, लेकिन वहां जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसका भी करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। यानी हम बात करें तो आपने एक ऑप्शन दिया होगा ऑप्शन नंबर डी, जहां पे आइदर करके लिखा है, कि जैसे ए ऑप्शन में आपको दिया होगा फादर इन लॉ और बी ऑप्शन में आपको दिया होगा मदर इन लॉ, तो जो डी वाला हमारा ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में ये बोला है कि आइदर ए और बी। अब देखिए इसमें यहां पे ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी सीएनडी न देके यहां पे लिख दिया आइदर ए और बी, तो ऐसे ऑप्शन घुमाए तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। एक लाइन का बहुत ध्यान से रखिएगा। देखिए दोस्तों मैंने जानबूझ के क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला जरूर रखा है, क्योंकि मैं सिर्फ आसान क्वेश्चन आपको दे दूं तो ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल बिल्कुल नहीं होगा। मैंने शुरू में इजी कराया है, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि ये चौथा क्वेश्चन है तो मैंने थोड़ा सा इसका लेवल जरूर चेंज किया है, ठीक है। मैं वही कंटेंट दूंगा जो आपके लिए बेस्ट हो, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। जैसे यहाँ पे बोला है देयर आर एट मेंबर्स इन थ्री जनरेशन ऑफ अ फैमिली, यानी इस परिवार में आठ लोग हैं और इस परिवार में तीन जनरेशन की पूरी कहानी बताई गई है। कह रहा है देयर आर टू कपल्स, ये ध्यान रखिएगा इस परिवार में दो कपल्स है, यानी हस्बैंड वाइफ के दो ही पेयर होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एंड थ्री मेल मेंबर्स, ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ तीन जो है वो मेल मेंबर्स है, तीन से ज्यादा मेल मेंबर्स नहीं हो सकते इस परिवार में, ठीक है। चलिए बातें आगे एक लाइन पे। पहले लाइन कह रहा है कि डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, डी जो है डॉटर इन लॉ है किसकी, एफ की, यानी एफ की बहू है डी, ठीक है। बहू का मतलब कि एफ के बेटे की पत्नी, तो हम यहां बना ले एफ और एफ का कोई बेटा है, क्लियर है। और इसकी पत्नी, इसकी पत्नी कौन, डी,
तो हो गए ना एफ की बहू, यानी यहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ। अब इसका बेटा कौन है ये हमें अभी क्लियर नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे यहीं पे। आगे की लाइन कह रहा है ई इज मदर ऑफ बी एंड सी। ई जो है मम्मी है किसकी, बी और सी की। अब समझिएगा यहाँ पे ई का जिक्र कहीं नहीं, इसलिए हम एक अलग किनारे कहीं बना लेते हैं कि ई जो है मदर है और ये मम्मी किसकी है, इनके दो बच्चे हैं कौन, बी और सी की मम्मी है। ये बात को क्लियर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहां हमसे आगे की लाइन में ये कह रहा है कि एफ हैज ओनली वन सन। अब एक बात और, एफ का ये जो बेटा हमने यहां पे होना है ये इकलौता है, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। बात वही है, अगर एफ की कोई दूसरा बच्चा निकलता है तो वो एफ की बेटी कहलाएगी, बेटा तो सिर्फ यही है, ठीक है। इसके बाद आगे की लाइन पे आते हैं, कह रहा है एज नीज ऑफ सी। अब एक चीज और, थोड़ा यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा, नीज का मतलब भतीजी भी होता है और भांजी भी होता है। छोटा सा ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, अगर कभी आप कंफ्यूजन लगे तो कोशिश एक बार करिए, एक बार जरूर ना अपने कंप्यूटर एग्जाम में अपने कंप्यूटर स्क्रीन के कॉर्नर पे जाइए, वहां लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में एक बार जरूर देख लिया करिए, वो वहां पे भतीजी भांजी में से क्या लिखा है। अगर क्लियर भतीजी या भांजी लीजिए तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख दिया तो वो आपके लिए और इजी हो जाएगा, इसलिए एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। खैर हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि नीस को या तो भतीजी या तो भांजी होगी, ठीक है। तो अब लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि एज नीज ऑफ सी, सी की नीज होने का मतलब है कि इसी की बेटी होगी, तभी तो सी की नीज कहलाएगी, क्योंकि ये दोनों कुछ कहीं ना कहीं आपस में भाई बहन है। या तो ये इसके भाई की बेटी होगी तो भी भतीजी कहलाएगी, बहन की बेटी होगी तो भी भांजी कहलाएगी, यानी हर हाल में ये बी की ही बेटी होगी तभी सी की नीस कहलाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे की लाइन पे आते हैं। आगे की लाइन कह रहा है जी इज नॉट द सिस्टर ऑफ एच। ये भी ध्यान रखिएगा, हम यहां मेंशन कर दे रहे हैं कि जी जो है सिस्टर नहीं है और किसकी, एच की। तो ये ध्यान रखिएगा जी एच की सिस्टर नहीं है, ये क्लियर रखिएगा। अब कह रहा है ई हैज ओनली टू चिल्ड्रेन। ये ई के जो दो बच्चे हैं बी और सी, इनके अलावा अब ई का कोई भी तीसरा बच्चा नहीं है, यानी ई के यही दो बच्चे हैं, ये क्लियर रखिएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि ए इज कजिन ऑफ एच। अच्छा ए जो है एच का कजिन है, तो एच का कजिन होने का मतलब जाहिर सी बात है एच इसका बच्चा होगा, तभी तो एच का कजिन ये होगा, होगी कि नहीं भाई इसकी। अगर ये इसका बच्चा एच हो जाता तो ये सगे भाई बहन हो जाते हैं, हमें बोला ए इज कजिन ऑफ एच यानी चचेरी बहन, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सी का बच्चा एच होगा। फिर आगे कह रहा है एच इज सॉरी आगे की लाइन कह रहा है कि जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। जी जो है ई की ग्रैंड डॉटर। अच्छा ई की ग्रैंड डॉटर होने का मतलब है कि ई के बच्चे की बेटी है। अब ई के बेटे की बेटी होने का मतलब है कि या तो इसकी बेटी या तो इसकी बेटी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बेटी बनाते हैं, अगर इसकी बेटी हम जी कर दें, तो जी और एच आपस में भाई बहन हो जाएंगे, जबकि यहां क्लियर मना किया है कि जी एच की बहन नहीं है, यानी इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये इसकी बेटी है। आई होप ये बात आपको जरूर समझ में आई, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की लाइन पे। आगे की लाइन हमसे ये कह रहा है कि डी इज मदर ऑफ जी। अच्छा देखिए एक लाइन बहुत क्लियर बोल दिया कि एच इज नॉट अ फीमेल, एच फीमेल नहीं है, यानी इट मींस एच एक मेल है, जो कि हमें क्लियर बता दिया गया, ठीक है। चलिए अब आगे की लाइन पे आते हैं। आगे कह रहा है डी इज मदर ऑफ जी। ये जो डी है ये इस जी की मम्मी है। अब समझिएगा ये जी किसकी बेटी थी, बी की बेटी थी, और डी जो है ये जी की मम्मी है। अगर डी जो है ये जी की मम्मी है तो ऑब्वियस ही बात है ये पापा होंगे, बी मम्मी है तो ये बी कौन, पापा होंगे, और इसका मतलब हुआ ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ हो गए। तो देखिए इस वाले जो लाइन को हम अब इससे कनेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये फीमेल है ये पत्नी है तो ये मेल यानी पति होगा, ठीक है। और ये बात तो समझिएगा ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और जो पहली लाइन थी इसका एक बेटा था तो इसका बेटा कौन, यही बी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे हम एफ को बना सकते हैं कि इसका ये इकलौता बेटा, तो इसकी पत्नी डी हो गई तो ये बहू हो जाएगी, ठीक है। और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे,
हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, जिसमें ये फीमेल है तो ये कौन मेल हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अब हम इस चीज को मिटा दे। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि ये दोनों फिगर एक में कैसे जुड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद अब देख लेते हैं, अब एक बात और, यहां पे हमें ये बोला गया था कि एफ का केवल एक बेटा है, और यानी इसका मतलब ये जो दूसरा बच्चा है ये ऑटोमेटिकली कौन बेटी हो जाएगी, यानी इसका जेंडर फीमेल हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये हमारा पूरा डायग्राम है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पहले पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, डी की सिस्टर इन लॉ कौन है। अब सिस्टर इन लॉ का मतलब यहाँ ननद से है, तो डी की सिस्टर इन लॉ, देखिए डी के पति की बहन कौन है, सी है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोला है हाउ इज एच रिलेटेड टू जी, यानी एच का जी से क्या संबंध है, एच का, ये एच का जी से क्या संबंध है, यानी ये एच क्या लगेगा जी का, तो जी का ये कजिन ब्रदर, ये इसका कजिन लगेगा यानी चचेरा भाई लगेगा, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन कजिन, यानी ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा कजिन ब्रदर, यानी कजिन ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों बहुत ध्यान से इसके सोल्यूशन को समझिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, जहां पे बोला है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू, और इनका प्रोफेशन दिया साइकोलॉजिस्ट मैनेजर लॉयर ज्वेलर्स डॉक्टर और इंजीनियर। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे हम आते हैं कंडीशन पे। तो पहली लाइन कह रहा है कि द डॉक्टर इज ग्रैंडफादर ऑफ यू, यानी जो डॉक्टर है वो यू का ग्रैंडफादर है। एक बात हमेशा समझिएगा, जब भी बात ग्रैंडफादर बोलेगा तो हमेशा उसको आप प्रेफरेंस दादा दीजिए। एक तो आप पहले लैंग्वेज चेंज करके देख लीजिए, वो हिंदी में कहीं दादा या नाना क्लियर तो नहीं कर दिया, लेकिन ज्यादातर ग्रैंडफादर का मतलब दादा ही होता है। अगर वो नाना कहेगा तो मैटरनल ग्रैंडफादर मेंशन करेगा वो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप प्रेफरेंस हमेशा दादा पे दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि डॉक्टर जो है यू का ग्रैंडफादर है, मतलब यू का कोई पापा होगा और इनका भी ये पापा है, और यही कौन है बाय प्रोफेशन ये, ठीक है। आई होप बात समझ में आएगी। जहां पे ये कह रहा है यू हु इज साइकोलॉजिस्ट, यू का भी प्रोफेशन हमें दिया हुआ है कि यू जो है साइकोलॉजिस्ट। आई होप ये बात समझ में आई होगी। आगे की लाइन कह रहा है द मैनेजर एस इज मैरिड टू पी, यानी अब देखिए इससे हट के कंडीशन है, तो साइड में हम लिख दे रहे हैं कि एस एक मैनेजर है और इसकी जो शादी हुई है वो किससे हुई है, पी से हुई है। अब इनमें कौन हस्बैंड वाइफ है ये हमें बिल्कुल नहीं पता, इसलिए हम कंडीशन किनारे लिख के छोड़ देंगे। आगे आते हैं, आगे की कंडीशन भी हमें यही बोला गया है आर ज्वेलर्स इज मैरिड टू लॉयर, कह रहा है कि आर जो है ये बाय प्रोफेशन ज्वेलर है, ठीक है, और इसकी शादी जो हुई है वो हुई है लॉयर से। अब ये लॉयर कौन है हमें नहीं पता, लेकिन जिससे भी हुई है इसकी शादी लॉयर से। इसमें भी कौन हस्बैंड वाइफ हमें कंडीशन बिल्कुल नहीं पता है। इसके बाद कह रहा है क्यू इज मदर ऑफ टी एंड यू, जहां पे ये बोल दिया है क्यू मम्मी है और इनके दो बच्चे हैं कौन टी और यू है, ठीक है। तो ये कंडीशन आई होप समझ में आ गया होगा। फिर आखिरी लाइन कह रहा है कि इस पूरे कहानी में दो मैरिड कपल है, ध्यान रखिएगा दो ही हस्बैंड वाइफ के पेयर होने चाहिए, ये भी कंडीशन क्लियर, ठीक है। अब एक बात, क्यू मम्मी है टी और यू की, इसका मतलब टी और यू आपस में भाई बहन है, ठीक है, जेंडर क्लियर नहीं है लेकिन है कहीं ना कहीं ये भाई बहन का ही रिश्ता, ठीक है। तो अगर यू यहाँ है तो इनका ही बच्चा यू है, तो इनका ही बच्चा टी होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। और एक बात है, हमको दो हस्बैंड वाइफ भी चाहिए, और ध्यान रखिए परिवार में 6 ही लोग हैं, 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, एक तो इनकी कोई पत्नी होगी और एक इनकी कोई पत्नी होगी, और ये दो मैरिड कपल हो जाएंगे, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये हमें 6 लोग मिल जाएंगे, ठीक है। और जहां हमें बहुत क्लियर ये बात बोल दिया गया है कि इन दोनों की मम्मी कौन है, क्यों है,
तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। अब इस कंडीशन का हमें काम खत्म। अब हम आते हैं अपने अगले, यानी इन दो कंडीशन पे, ठीक है। अब ये दो कंडीशन या तो यहां यहां कहां फिल होंगी, ध्यान से समझ। यहां पे हमसे कह रहा है कि डॉक्टर की कोई पत्नी है, ठीक है। अब ये हस्बैंड वाइफ के पेयर है, क्या ये दोनों यहां पे कभी फिट बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहां पे एक ज्वेलर है एक लॉयर है, जबकि यहां पे डॉक्टर है ना, यहां ज्वेलर और लॉयर दोनों तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये वाले जो हस्बैंड वाइफ का पेयर है वो यहां फिट नहीं बैठेगा, बल्कि ये वाला पेयर यहां पे फिट आएगा, यानी डॉक्टर। अब समझिएगा, यहां पे एस मैनेजर है, तो एस तो यहां ऑब्वियस ही बात है हो नहीं सकता, तो कंफर्म हो गया एस यहां मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। और ये डॉक्टर जो है वो कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी ये भी कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। बच गया ऑब्वियस ही बात है एक ही नाम बचा है बॉस, तो यहां पे कौन हो जाएगा, आर, जो कि एक इसका बेटा यानी मेल पर्सन हो जाएगा। और आर का प्रोफेशन यहां दे रखा है ज्वेलर्स, तो हम यहां मेंशन कर ले रहे हैं, ठीक है। और इसकी शादी किससे हुई है, लॉयर से हुई, यानी क्यू का प्रोफेशन क्या हो जाएगा, लॉयर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए सारे प्रोफेशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो टी का जो प्रोफेशन बच गया है यानी इंजीनियर, यही हो जाएगा टी का प्रोफेशन, इंजीनियर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ये हमारी पूरी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ टी। तो पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि टी का प्रोफेशन क्या है, तो भाई टी एक इंजीनियर है, तो हमारा ऑप्शन जो भी होगा करेक्ट आंसर क्या मिल गया हमें, इंजीनियर। आई होप ये बात समझ में आई होगी। और सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछा गया, हाउ पी इज रिलेटेड टू टी। जो सेकेंड क्वेश्चन है हमसे बोला है हाउ पी इज रिलेटेड टू टी, यानी ये पी कौन है, ये पी क्या लगेगा टी का। तो ऑब्वियस ही बात है टी के पापा के पापा, पापा के पापा क्या कहलाते हैं, ग्रैंडफादर कहलाते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि ये सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो ध्यान से इसको पूरा देखिए। आई होप ये पूरा वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों हर बार की तरह मैं ये क्वेश्चन आपके लिए फिर से छोड़ रहा हूं, और हमेशा की तरह मैं फिर वही उम्मीद लगाऊंगा कि आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। और जैसा कि आज हम लोग पूरा वीडियो में सीखे हैं, ब्लड रिलेशन का एक टाइप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और हम उम्मीद करेंगे कि आप और भी क्वेश्चन इसके लगाएंगे, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, ब्लड रिलेशन के इस टाइप से और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैंने एक PDF इस टाइप का दे रखा है, तो आप वहां विजिट करिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों आई होप ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नए यूजर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच।